हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बड़ी खबर आ रही है, बीपीएससी की परीक्षा 67वीं की तय मानी जा रही है। और बीपीएससी है जो कि कैलेंडर है जो कि जारी हो सकता है, और आज ही है जो कि थोड़ी देर में जारी हो सकता है या कल हो सकती है। तो देखते हैं, 67वीं बीपीएससी परीक्षा का अपडेट आ गया है और अगस्त के अंतिम सप्ताह में जो कि होगी। और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं, ये दिया हुआ है और यहाँ पर ये लिखा हुआ है सितंबर अक्टूबर, ये अगस्त के अंतिम सप्ताह में आपकी परीक्षा होगी। मैंने पहले ही बताया था कुछ दिन पहले कि अगस्त में परीक्षा हो सकती है, अगस्त के अंतिम सप्ताह में होगी परीक्षा। तो ये बड़ी खबर है 67वीं बीपीएससी तैयारी करने वालों के लिए। और इसकी जो परीक्षा होगी वो 150 प्रश्नों की, क्योंकि ये रद्द हो गई थी। और फिर से दूसरी सवाल है कि जो लोग परीक्षा नहीं दिए क्या उनका भी एडमिट कार्ड जारी होगा? तो सारे लोगों का होगा, क्योंकि ये पता करना मुश्किल है कौन लोग भाग लिए कौन लोग नहीं लिए, इसलिए जो कि इसमें सारे लोगों का एडमिट कार्ड जारी होगा। और आपकी ये जो कि, तो आप उसी अनुसार है जो कि तैयारी करें। और करेंट अफेयर्स है जो कि 2021, तो बड़ी खबर आ रही है, ये अपडेट है जो कि आ गया है। और कैलेंडर है जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, दिया अगस्त के अंतिम। और क्या, सहायक अभियंता, असैनिक, आंतरिक, ये सब का परीक्षा भी सितंबर अक्टूबर में होगा। और विद्युत का और से और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की मुख्य लिखित परीक्षा अक्टूबर में होगी। तो बड़ी खबर आ रही है। उस दूसरी तीसरी अपडेट क्या है, सहायक अंकेक्षण अधिकारी अगस्त में है जो कि ये परीक्षा होगी। और सहायक नगर योजना टाउन प्लानिंग पर्यवेक्षक का भी सितंबर अक्टूबर तक है जो कि होगा। और राजकीय पॉलिटेक्निक टेक्नोलॉजी लिखित जो प्रतियोगिता होगी अगस्त से नवंबर तक होगी। और क्या क्या का परीक्षा होगा, सारा अपडेट है जो कि इसमें है। तो इसमें देखते हैं और क्या किन चीज़ों का है। परियोजना परीक्षा मुख्य लिखित प्रतियोगिता ये सितंबर में दिया हुआ है, ये कब होगा, ये सितंबर में दिया हुआ है। उसके बाद क्या है, अंकेक्षक बिहार अंकेक्षण पंचायत सेवा, ये जो है आपको सितंबर में इसकी परीक्षा होगी। और सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन का नवंबर, ये आज ही है जो कि जारी हुआ 28/18/6 को। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। और ये 67वीं बीपीएससी का है जो कि आपने अपडेट देखा। उसके बाद बड़ी कौन सी, सहायक अंकेक्षण अधिकारी का प्रारंभिक परीक्षा अगस्त में होगी, सीडीपीओ के मुख्य परीक्षा अक्टूबर में होगी। तो ये जो पूरी जो कैलेंडर जो जारी किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि आप उसके अनुसार, और ये बहुत अच्छी पहल है बीपीएससी के द्वारा है जो कि ये पहल किया जा रहा है। खासकर बिहार में पहले ही अपडेट दे दिया जाता जिससे कि उसके अनुसार है जो कि तैयारी किया जा सके। और क्या, सहायक नगर योजना टाउन प्लानिंग पर्यवेक्षक का भी परीक्षा। और जो लोग अंकेक्षक का जो इंतजार कर रहे थे, ऑडिटर का बिहार पंचायत अंकेक्षण सेवा, इसका जो है आपको सितंबर में होगी। और सहायक लोक स्वच्छता वाले भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, अपशिष्ट प्रबंधन जो पदाधिकारी है उसके नवंबर में परीक्षा होगी। तो ये जो है टाइम है जो कि आप देख रहे हैं, तो ये जो है आपको सीडीपीओ बाल विकास पदाधिकारी सारे का है जो कि अपडेट। और 67वीं बीपीएससी का जो इंतजार कर रहे थे उन्हें लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया है कि बीपीएससी अभी तक जो कि कैलेंडर जारी नहीं कर रही है, हो सकता है वेबसाइट पर थोड़ी देर में जो कि अपडेट आ जाए और सारे लोगों को जो कि ये पता चल जाए कि कैलेंडर है जो कि जारी, उसके अनुसार है जो कि तैयारी शुरू कर दे। और बिहार स्पेशल पर है जो कि 67वीं बीपीएससी पर है जो कि ज़्यादा फोकस करना है। और ये जो है अगस्त के अंतिम सप्ताह में है जो कि आपको परीक्षा होगी। अगर अगस्त के अंतिम सप्ताह की बात करें तो अगस्त का महीना में कौन सा डेट में जो कि परीक्षा जो कि हो सकती है उसके बारे में अगर कहा जाए तो 2022 के अगर अगस्त माह की बात करें तो 21 अगस्त और 28 अगस्त, अगर अंतिम सप्ताह में करें तो 28 अगस्त को ज़्यादा संभावना है, नहीं तो ये संभावित है, ये तिथि नहीं दिया हुआ है। और तो ये 21 और 28 अगस्त को आप ज़्यादा से ज़्यादा संभावना बना सकते हैं कि ये दोनों, क्योंकि इस दिन है जो कि रविवार है और 6 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी है जो कि इसमें बैठेंगे। उसके बाद है जो कि ये जो असैनिक वाले जो स्थगित हुई थी, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया और इलेक्ट्रिकल का, ये सितंबर अक्टूबर में। सीडीपीओ जो मुख्य परीक्षा है वो फॉर्म जो भरा रही थी उसका क्या अक्टूबर में। सहायक अंकेक्षण अधिकारी का पीटीए जो कि अगस्त में होगा। और जो स्वच्छता वाला है, परियोजना प्रबंधन की मुख्य परीक्षा, ये सब का भी डिटेल है जो कि दिया हुआ है। तो इसी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ धन्यवाद।